Hi, my name is Ravi, chemistry mentor from Resilience, personalized learning with IITians. तो अब हम कुछ उन compounds को देखेंगे जिसका हम oxidation state basic method से find नहीं कर सकते। अक्सर इन compounds के साथ होता है कि जब हम इनका basic method से oxidation state find करना शुरू करते हैं तो इनका oxidation state या तो fraction आ जाएगा या फिर number of valence electrons से ज्यादा आ जाता है, जो कि दोनों केस possible नहीं है। तो हम देखेंगे कि इनमें होता क्या है और इनका कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है H2S4O6 टेट्राथायोनिक एसिड। अगर हम बेसिक मेथड से इनका फाइंड करें तो क्या होगा, +1 × 2 सल्फर का फाइंड करना था तो X × 4 प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है -2 × 6 = 0 क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं। तो इससे इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा +5/2 जो कि पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे इसका रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, और स्ट्रक्चर के थ्रू हम सारे एटम्स का, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन, सब का फाइंड कर सकते हैं कि क्या हो रहा होता है। इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, कोई भी दो एटम है ए बी, अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस पर हमको माइनस रखना है, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो प्लस रखना है। सिंगल बॉन्ड है तो 1 1 -1 +1। अगर यही ए डबल बॉन्ड बी होता तो उस केस में हो जाता -2 और +2 क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं, ऑक्सीजन पे आए, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस पे हाइड्रोजन के कारण -1 और इस पे +1। अब हम आते हैं सल्फर पे, ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, सिंगल बॉन्ड है तो -1 और यहां पे इसके कारण सल्फर क्या आ गया +1, ये दोनों मिला के क्या हो गया -2 इस ऑक्सीजन का। ठीक, अब इस सल्फर को अगर देखते हैं तो यहां ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है तो -2 क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, या कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी तो -2, और यहां सल्फर का हो गया कितना +2, यहां -2 और इसके कारण से भी +2। फिर इस सल्फर से अगर देखा जाए तो यहां दोनों सल्फर है, दोनों बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो इसमें क्या होगा कि इसका भी जीरो हो जाएगा और इसका भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो। इससे क्या आ गया, इस सल्फर का आ गया +5। सिमिलरली इस सल्फर का जीरो हो जाएगा, इसका +5 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या आ रहा है, हमारे पास दो सल्फर ऐसे हैं जिनका 0-0 है और दो सल्फर ऐसे हैं जिनका 5-5। तो एक्चुअली यहां पे इसका एवरेज आ रहा था। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम CrO5 में देखें तो अगर इसमें हम क्रोमियम का फाइंड करने की कोशिश करें तो X=2 आ जाएगा +10 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, Cr डबल बॉन्ड O, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, इसको परऑक्सी लिंकेज भी बोलते हैं। अब हम इसमें देखना शुरू करेंगे क्रोमियम और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो इस पे ऑक्सीजन पे क्रोमियम के कारण -1, इस पे +1 आ गया, इसके कारण इस पे -2 तो इस पे उसके कारण +2, यहां -1 तो +1, यहां -1 तो +1, इससे आ गया क्रोमियम का ओवरऑल +6। अब हम इस ऑक्सीजन के बारे में सोचे तो इधर से क्या था, ये क्रोमियम से कनेक्टेड था तो उसके कारण क्या हो गया, यहां पे हो गया -1 और इधर क्या था, ऑक्सीजन ही था तो इस पे भी 0, इस पे भी 0 क्योंकि दोनों बराबर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो 0-0 दोनों पे आ जाएगा, इससे क्या आ गया +6 और इन सबका -1 पर ऑक्सीजन के। उसी तरीके से H2O3 S डबल बॉन्ड S, फिर यहां पे डबल बॉन्ड OH। अब हम फाइंड करने की कोशिश करें सल्फर पे तो इसका क्या होगा, -2 होगा, ये सल्फर सल्फर है तो इसका 0 और इसके कारण इस पर भी 0, इसके कारण यहां क्या था ऑक्सीजन का अगर हम इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सोचे तो +1 तो इस पे -1 और इसके रिस्पेक्ट में सोचे तो इस पे -1 तो इस पे +1 तो +1 यहां पे आ गया। फिर इधर से भी उसी तरीके से कोशिश करें देखने की तो इस पे +1, तो इससे क्या निकल के आया, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां -2 था इसके कारण +2 भी था तो 4 आ गया, तो मतलब एक सल्फर का 0 है और एक का +4 है। तो यही तरीका होता है हम बॉन्ड के थ्रू पता लगा सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। थैंक यू सो मच।